आज बीबीएन की बीबीएन न्यूज टीम यहाँ पर झालना महाराष्ट्र में है, जो एक वीडियो वायरल हुआ था एक वाइट गोल आटे के ताल्लुक से, उसी सिलसिले में हम यहाँ पर मिस्टर इम्तियाज एमडी जो है वाइट गोल आटे के उन्नीस से हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ है एमडी इम्तियाज, इम्तियाज से कुछ बात करेंगे। इम्तियाज साहब, कि आपके आटे में कुछ प्लास्टिक मिलाया गया है, क्या ये बात सही है? सब ये सब जो बात है, जो जो वायरल वीडियो हो रहे हैं हैदराबाद में, ये सब अफवाहें हैं। आटे में कोई चीज ऐसी मिलाई नहीं जा सकती जो प्लास्टिक हो। जो ये लोग वीडियो बता रहे हैं कि भाई जिसमें प्लास्टिक दिखाया जा रहा है, असल में जो है वो ग्लूटेन है और वो घी में पाया जाता है, वो नेचुरल तत्व है। उस चीज के लिए कई वेबसाइट अवेलेबल है, फूड सेफ्टी एक्ट के नॉर्म्स अवेलेबल है, मार्केट में किताबें अवेलेबल है, वेबसाइट पे जो है उसकी उसके नॉर्म्स लिखे हैं और वो ग्लूटेन है। और ये जो लोग बातें कर रहे हैं उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है कि भाई ये प्लास्टिक है या ये प्रोटीन है। ये तो प्रोटीन है साहब, इसमें कोई चीज नहीं मिलाई है, सब अफवाह है। सब क्यों ऐसा आपका वीडियो वायरल हुआ है? सर ये तो वायरल करने वाले जानते हैं कि उनका इंटेंस क्या है, अगर भी किस किस तरीके से वो देख रहे हो उस चीज को। हो सकता है कि भाई हमारा कंपनी को कंपनी की इमेज को कोई धक्का पहुंचाना चाहता हो या फिर कोई और इंटेंस हो, ये तो हम बता नहीं सकते, बट ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा। पर जो भी है, जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, हम हमारे जो है लीगल एडवाइजर से सलाह कर रहे हैं, जैसे ही फूड सेफ्टी एक्ट के जो है रिपोर्ट्स आ जाएंगे, हम उसके बाद जो है जो भी बन सकती है, जो हम कानून की मदद लेकर जो भी हम कर सकते हैं, हमारे लीगल एडवाइजर जो सलाह देंगे, हम कार्रवाई करेंगे। सब किस तरीके का प्रोटीन होता है इसमें? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आटा पानी में डालने के बाद, कुछ खींचने के बाद कुछ प्लास्टिक के जैसा महसूस हो रहा है, तो इसमें क्या प्लास्टिक हो सकता है या कितने किस तरीके का प्रोटीन इसमें यूज होता है? सब कैसा है कि गेहूं में नेचुरल तत्व होता है प्रोटीन। जैसे आप आटे को पीस लेंगे और उसके साथ आप पानी में उसे आटे को मिलाएंगे, तो उसमें जो है एक खिंचाव पैदा होता है जिसको परमलाइजेशन बोला जाता है। गेहूं जैसे जैसे आप भिगा के देखो, आप घर में आप रोटी बनाते हैं, आटे को भिगा के थोड़ी देर रख देते हैं, वो किस लिए रखते हैं? ताकि उसमें खिंचाव आए, तो रोटी जो है उसमें रोटी उसकी आप बोलेंगे बेली जाएगी। और जो है गेहूं में नेचुरल तरीके से 12 से 14% जो है प्रोटीन होता है, जिसका 80% जो है ग्लूटीन होता है, और ये ग्लूटीन के कारण ही खिंचाव आता है। जितना इसमें ग्लूटीन होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। आप इसके लिए जो है, आप जो अगर आपको लगता है कि भाई ये पैक्ड आटे में या पैकेट वाले आटे में किसी भी ब्रांड के खिंचाव आता है, तो आप अच्छी क्वालिटी का गेहूं आप बाजार से खरीदिए, आपकी जहां मर्जी है वहां पिसा दीजिए और वही कीजिए जो आप पैकेट आटे के साथ कर रहे हैं या हमारे आटे के साथ कर रहे हैं, आपको वही रिजल्ट मिलेंगे। आप जो है इसके लिए संतुष्ट रहिए और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना आटे में कोई चीज मिलती है ना मिलाई जाती है। संपर्क कीजिए, कैसा आपके पास रहेंगे, कितने पैकेट से, यानी कि 5 किलो का एक पैकेट होता है, 10 किलो का, वैसे कितने पैकेट से आपके पास और कैसा कीजिए आप? पैकिंग तो हर नमूने की है। देखिए आटे में 1 किलो की है, 1 किलो है, 5 है, 10 किलो है, 25 है, 50 है। आटे की पैकिंग में पैकिंग का डिफरेंस होता है, आटे की क्वालिटी वही होती है और सभी में एक ही जैसा आटा पैक किया जाता है। और प्लास्टिक के जो लोग बोलते हैं कि मिलाया जाता है, वो मुझे लगता है तकरीबन 100 या 100 से ऊपर ही रेट होंगे, तो इसमें कोई मिलाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई बिजनेस प्रॉफिट है नहीं कि कोई मिलाएगा उसमें। सबसे सस्ती और अच्छी चीज जब गेहूं है और गेहूं अच्छी क्वालिटी का है, तो कोई लोग किसी क्यों मिलाएगा? ये तो एक जो है नादानी बोली जाएगी। मैं इस पर क्या बताऊं कि नादानी कहेंगे ऐसे अपन कि भाई आटे में प्लास्टिक मिलता है। आप घर पर ट्राई करके देख लीजिए कि भाई आटे के अंदर कोई चीज मिलावट हो सकती है क्या? सर फूड डिपार्टमेंट वाले, ये ऐसा भी हुआ हो सकता है आपके पास, फूड डिपार्टमेंट वाले आपके पास आके चेकिंग करे, तो उस वक्त क्या बताया है लोगों ने? नहीं, हमारे पास अभी तक कोई नहीं है, पर रेगुलर बेस पे हमारे खुद फैक्ट्री में इन हाउस हमारी लैब है, जो कि हर बैच का आटा हम खुद चेक करते हैं और क्वालिटी हर तरीके से हम चेक करें, पूरा चेक करने के बाद, एश्योर होने के बाद ही मार्केट में सप्लाई होता है आटा। ऐसा बिना चेकिंग के कोई आटा सप्लाई होता नहीं है। और हम खाली आटा नहीं चेक करते,
जब हम गेहूं परचेस करते हैं, जब रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, उसका पहले हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही जो है हम प्रोक्योर डिपार्टमेंट जो है हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, वो पहले पूरी गेहूं की क्वालिटी चेक करने के बाद ही हम जो है उसको अनलोड करते हैं। जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बारे में बताइए कि ये क्यों हो सकता है, या हो सकता है आपकी कोई दुश्मनी से भी कर सकता है, या आपको जानबूझ के कुछ सताने की कोशिश करें, जब इतना आप प्रोफी अपने बता रहे हैं कि आटे में कोई चीज नहीं मिला सकते, तो ये वीडियो वायरल होने की वजह ये तो इंटेंस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंटेंशनली कर रहा हो, पर जो भी है अब एक बार FSSAI का जो है रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम जो हमारे लीगल एडवाइजर जो सलाह देंगे उस पर हम चलेंगे। जैसे आप ये बताइए कि आपके पास क्वालिटी कैसा मेंटेनेंस करते हैं आप, क्वालिटी किस कैसे की रहती है आपके पास? सब जो है सबसे पहले तो हम गेहूं अच्छी से अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं, उसका लैब में टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होने के बाद उसका क्लीनिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है ग्राइंडिंग के लिए, और हमारी कंपनी जो है ISO सर्टिफाइड है, और क्वालिटी का हम खुद पर्सनली जो है ध्यान देते हैं कि भाई अच्छे से ऐसी चीज मार्केट में जाए। आपकी कंपनी के बारे में बताइए, आप कंपनी आपकी जो है रजिस्टर्ड है? जी मेरी कंपनी ROC में रजिस्टर्ड है, और मैं HACCP का भी HACCP सर्टिफाइड है और ISO सर्टिफाइड है। सब कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है इसमें, जब आपकी गेहूं का कारोबार करते हैं? गेहूं का कारोबार मुझे जो है करीब करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल से जो है हम इसी कारोबार में है। आप अपने कस्टमर के लिए कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो वीडियो वायरल हुआ था उससे काफी लोगों को तकलीफ हो रही है कि ये चीज व्हाइट गोल आटा है वो यूज करे या ना करे, तो अपने कस्टमर को कुछ बताइए आप। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आटा, आटे में ऐसी कोई चीज नहीं मिलाई जाती, क्योंकि आटे की कीमत जो है 22 से 25 रुपए पर किलो है, और प्लास्टिक या रबर जो है मेरे अंदाजे से 100 या 100 से ऊपर है, तो ये मिलाने का कोई कारण नहीं है, मुझे कोई इसका बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, और मैं सभी मतलब आवाम से गुजारिश करूंगा कि आटा चाहे कोई भी हो, आटे में कोई चीज नहीं मिलाई जाती, और जो आटा ये लोग बता रहे हैं कि वे प्लास्टिक है वो ग्लूटिन है, गेहूं में जो है प्रोटीन होता है, और प्रोटीन से ही जो है जो आटा गेहूं का जो आटा बनता है उसमें लुई बनती है, और जो है जो उसमें चिकास आती है, जितना प्रोटीन गेहूं में रहेगा उतनी अच्छी क्वालिटी की रोटी बनेगी, और रोटी बनाने में आसानी होगी, और तभी जो क्वालिटी जितना ज्यादा प्रोटीन होता है उतनी अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। सब आप ये बताइए, आप इतना कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आपके क्वालिटी में इतना प्रोटीन है, ये कैसा हो? सब देखिए इस चीज के लिए तो जो है मैं कहूंगा, बट मैं चाहूंगा कि आप एक हमारे JP टंडन जी जो है जो वीट स्पेशलिस्ट है उनका जो है यूट्यूब पे उनके उन्होंने जो है वीट के बारे में बहुत अच्छा कहा है, आप सर्च करके देख सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या कहा है कि वीट के बारे में, वीट प्रोटीन के बारे में, तो आपको आपको समझ आ जाएगी कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, और आप हो सके तो वो वीडियो को जो है आप आपके चैनल पर अपलोड कीजिए, आप देखिए आपको भी समझ आ जाएगा कि भाई वीट में क्या होता है और क्या नहीं। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ मैं शहबाज, BBN न्यूज जालना महाराष्ट्र। मेरा नाम JP टंडन है, मैं वीट प्रोग्राम में वीट का स्पेशलिस्ट हूं, और मैं वीट प्रोजेक्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम इंस्टीट्यूट जो इस वक्त करनाल में है उसका डायरेक्टर भी रह चुका हूं। मेरा ध्यान एक वीडियो की तरफ दिलाया गया है जिसमें कुछ लोग ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि जो आशीर्वाद आटा है उसमें प्लास्टिक है, वो एक आटा गूंथ के और गोला बना के और उसको पानी में धो के और उसको बता रहे हैं कि ये जो बीच में निकला ये प्लास्टिक है। ये बिल्कुल गलत बात है, एक्चुअली वो जो निकाल रहे हैं वो ग्लूटिन है, एक प्रोसेस होता है उसको, जो वीट की ये खासियत होती है इसमें ग्लूटिन बनता है प्रोटीन से, जब इसको हम आटा बनाते हैं डो बनाते हैं जब इसका, तो तब उसमें एक ये प्रोटीन फॉर्मुलेशन होती है जिसे हम ग्लूटिन कहते हैं, और ये ग्लूटिन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है आटे को, उससे ही एक्चुअली जो चपाती बनाते हैं हम
या इससे जो ब्रेड बनाते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये ग्लूटेन डिसाइड करता है कि कितना, तो ये वीट की स्पेसिफिक क्वालिटी है। और अकॉर्डिंग टू जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक कम से कम उसमें 6% ग्लूटेन जो है होना जरूरी होता है, और इससे अगर कम होता है तो वो अप्रूव ही नहीं होता आटे की फॉर्म में, और ज्यादा होता है तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी, कई फैक्टर्स होते हैं। और अगर फर्ज करो आटे में से ग्लूटेन, गेहूं के आटे में ग्लूटेन नहीं बनता तो इसका मतलब है कि वो गेहूं खराब होगा। जैसे गेहूं उग जाता है, कई दफा भीग जाता है, उगना शुरू हो जाता है, और उसको अगर आप आटा बनाएंगे तो उसमें से ग्लूटेन बहुत कम निकलेगा, वो एक्चुअली वो जो है वो खराब आटा होने की निशानी है। तो ग्लूटेन निकलना तो एक किस्म का एसेंशियल है, और ये जो वीडियो बनाई गई है किसी ने अपनी इग्नोरेंस दिखाई है, और यही मैं कह सकता हूं कि ग्लूटेन का गेहूं के आटे में होना एक एसेंशियल पार्ट है, और इसकी फॉर्मेशन, इसको जब हम आटा बनाते हैं पानी डाल के उसके बाद जो है, इसीलिए तो चपाती के लिए थोड़ा देर आटे को रखा जाता है ताकि वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यही मेरे को बताना था कि ये जो वीडियो दिखाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है, और गलत तरीके से बनाई गई है, गलत इंटेंशन से बनाई गई है। बाकी मैं तो इसके ऊपर हंस ही सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता।